हेलो गाइस, खाता हूँ 2 किलो बकरा। मेरा नाम है ऑस्टिन लाकरा। तो गाइस, अभी हम लोग आज है day 3 और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के लोकल्स को घूमने, ठीक है। जहाँ जहाँ पास पास है वो सारी चीज़ें घूमने जा रहे हैं गाइस। तो फिर जाके अभी इंजॉय करेंगे, सारी चीज़ दिखाएंगे आपको, तो फिर आप देख के इंजॉय करना। ओके गाइस, तो फिर चलिए चलते हैं गाइस। ये वॉकबुल डिस्टेंस है। सो गाइस, फाइनली वी आर गोइंग ऑन कौन सा बीच? इमली बीच। इमली बीच गाइस, एक चीज दिखाओ, सीन बहुत ही सुंदर। वो देखो गाइस, सामने कैलाश गिरी, वो जो दिख रहा है गाइस, कैलाश गिरी। ये हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भीमली बीच। जैसे कि आप लोग ये पीछे देख सकते हो, कितना सारा बीच, कितना सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें घूमेंगे, इसके बाद और भी अलग जगह पे जाएंगे। तो अभी चलिए मैं लेके चलता हूँ बीच के किनारे आपको, तो फिर वहाँ पे देखेंगे और भी मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे गाइस, और मज़ा काफ़ी सारा आने वाला है। ओके चलिए, मछली वाली मुँह में घुस गया हूँ गाइस। तो फिर यहाँ से घूमने के बाद हम सीधा सीधा और आगे चलते जाएंगे, तो सीधा बीच में तो मछली के मुँह से घुस और यहाँ पर और भी काफी सारे एक्साइटमेंट से भरा जगह है। तो अभी यहाँ पर और भी सारे कुछ दिखाएंगे गाइस। देख सकते हो कितना सुंदर बीच लग रहा है भाई साहब। तो जलपरी मुझे ऐसा लगता है, तो जलपरी ऊपर क्यों बैठी है गाइस? ठीक है, ये काफी सुंदर है, अच्छा लगा। और इस रास्ते में वो सारा बीच इसी रास्ते में पड़ रहा है गाइस, तो फिर काफी मनमोहक है। हेलो गाइस, तो फिर फाइनली काफी अच्छा चल लग रहा है। यहाँ पे हवाएं भी काफी ज्यादा चल रही हैं, और देख सकते हो पीछे साइड से बीच से कितने तेज पानी आ रही है गाइस, जो काफी मजा आ रहा है। शानदार है यहाँ पे लोकेशन, और गाइस ये मतलब ब्यूटीफुल नजारे हैं, यही तो समुद्र की खासियत है। तो इसी खासियत में तो डूब जाना चाहते हैं गाइस। गाइस अभी क्या है कि सुबह सुबह का टाइम है, तो थोड़ा फोटोग्राफ्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, बिकॉज गाइस इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है और अपोजिट साइड में पड़ रहा है। तो फिर देख सकते हो मतलब सुंदर तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन गाइस मतलब जैसे जैसे शाम होते हैं और ज़्यादा सुंदर होने लगते हैं। तो फिर अभी ठीक है, अभी भी अच्छा आ रहा है, पानी की लहरें गाइस ये तो हमेशा की हैं, ऐसे चलते रहते हैं समुद्र किनारे, है ना, तो फिर सुंदर तो है भाई। फाइनली भीमली बीच का कवर हो गया पूरा चीज़। अब नेक्स्ट जो भी व्यू है, जो भी पॉइंट है, वहाँ चलते हैं। यहाँ ऑलरेडी वी आर टेकिंग पिक्चर्स, ठीक है, और मज़े उतने अच्छे आए नहीं, जस्ट बिकॉज सनसेट वाला व्यू होना चाहिए या फिर सनराइज़ वाले व्यू होने चाहिए, उसमें ज़्यादा मज़े आते हैं गाइस। तो फिर बीच वगैरह के लिए ये समय सही नहीं है, तो फिर नेक्स्ट और देखते हैं गाइस क्या कहाँ जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है वो सब देखते हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बैक डोर में रुके ना, हाँ बैक ले गए गाइस, फाइनली ऋषिकोंड पहुंच गए हैं गाइस। हम लोग फाइनली अभी ऋषिकोंड पहुंच गए हैं, हाँ अब फाइनली गाइस ऋषिकोंड बीच हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे भी रहने के लिए सब चीज के लिए यहाँ पर काफी चहल पहल लग रहा है वैसे तो बाकी बीच से, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है। तो फिर अभी यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सीनरीज हैं। चहल पहल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, मज़े भी आई थिंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए। तो चलिए गाइस और भी व्यूज दिखाते हैं हम आपको, हमारे साथ बने रहिए।
हेलो गाइस, तो फिर फाइनली हम लोग ऋषिकोंडा में हैं इस वक्त। और ऋषिकोंडा में पीछे साइड देख सकते हो, दिख तो नहीं रहा, रुकिए मैं बैक कैमरा दिखाऊँ। ओके, तो गाइस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा, पीछे साइड देख, ये ऋषिकोंडा बीच हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। और इधर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं गाइस, तो फिर ये सब देखेंगे और आगे चलेंगे। गाइस, तो अभी हम लोग खा रहे हैं स्वीट कॉर्न, यहाँ पे 60 रुपये का पड़ता, 33 रुपये का है, पर हम लोगों ने इनसे बार्गेनिंग करके 50 रुपये में ले लिया। गाइस, बार्गेनिंग का हीरो। गाइस, तो फाइनली पहुँच गए हम लोग टेम्पल, एंड तो गाइस फाइनली हम लोग टेंपल में पहुंच गए हैं और इस टेंपल काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा गाइस कितना सुंदर है ये टेंपल। ये है तिरुपति टेंपल है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं, अभी देखते हैं गाइस क्या है ये टेंपल है। गाइस, हवा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, देख सकते हैं। व्यू है टेम्पल का जो कि काफ़ी सुंदर है। ये देख सकते हो जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये पूरा गाइस समुद्र है। यहाँ पर पूरा पानी वाला, यहाँ से जो सीन दिख रहा है ना, ये बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। और साथ में ये मंदिर भाई काफी सुंदर है, काफी आकर्षक है, तो ये काफी सुंदर है। ये कारपेट बिछाया गया है जस्ट बिकॉज आपके पैरों को गर्मी ना लगे, गर्म ना लगे। गाइस, ये तिरुपति मंदिर का व्यू है, ठीक है। ये निकिता के पीछे देख सकते हो कितना सुंदर है भाई साहब, पूरा हर एक चीजें। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। ये गाइस देखो, यही वो जहाज है गाइस जो बांग्लादेश से आके यहाँ पे फंसा था, ठीक है। ट्रिनिटी पार्क में यही एक चीज है जिसको देखने के लिए सभी लोग आते हैं, बाकी बात ऐसे ही नॉर्मल ही पार्क है।